हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना। तो ये अस्तर है और मेन फैब्रिक इस तरह से है। बाजू का लंबाई होगा 10 इंची, बाजू में फ्रिल बनेगा नीचे, और बाजू का मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। बाजू का ब्लाउज का लंबाई होगा 13 इंची, सीना होगा इसका 36 इंची, कमर होगा इसका 32 इंची, आगे का गला 6 इंची पर होगा, पीछे के गला 9.5 इंची पर होगा। तो वो कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए और सीखिए। ये देखिए, ये बाजू पर आएगा और ये बाकी का है, सो आगे पल्ले पीछे पल्ले में आएगा। इस तरह से इसका डिजाइन है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा है इसका डिजाइन। और चलिए मैं आपको अस्तर पर कटिंग करके बताती हूँ। तो इसका पहले लंबाई हम निकालेंगे यहाँ से। इसको जब भी हम कटिंग करते हैं तो पहले हम ब्लाउज का लंबाई निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ब्लाउज का लंबाई निकालेंगे। इसका सीना यहाँ से 13 इंची पर हमको तैयार रखना है। तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से आ गया 1.5 इंची इसमें सिलाई मार्जिन, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आ गया, इसका सीना है 36 इंची, तो 1/4 लेंगे 9 इंची, 2 इंची सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसी के निशान से हम यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। ये देख सकते हैं इस तरह से, इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे पीछे का पल्ला बनने के लिए रेडी हो चुका है। इसी में हमारा आगे पीछे का पल्ला बन के कटिंग होगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। जब भी हम कटिंग करेंगे तो हमारा आगे का पल्ला 1 इंची बड़ा रहेगा, पीछे का पल्ला 1 इंची छोटा रहेगा, इस तरह से। अब यहाँ से पहले हम इसका फिटिंग का निकाल लेते हैं। 1/4 9 इंची, ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है, यहाँ से भी 9 इंची पर। इस निशान को इस निशान से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे, तीरा लेना है बिल्कुल 5 इंची। यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसका आर्म होल लेंगे 5 इंची, यहाँ पर आ रहा है यहाँ निशान लगाएंगे, इधर से भी 5 इंची। इस निशान को सीधा कर देंगे। आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग हो रहा है, तो 1 इंची पर हम इसका गोलाई बनाएंगे, यहाँ से ऐसे लाना है। अब यहाँ से हम इसका गला बनाएंगे, गला बनाएंगे हम 2 इंची पर, यहाँ निशान लगाएंगे, पीछे का गला हम बनाएंगे यहाँ से ऐसे करके 9.5 इंची पर, यहाँ निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 2 इंची लिया है तो नीचे हम लेंगे 2.5 इंची। इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे, यहाँ से इसको हम ऐसे करके ऐसे लाएंगे, नहीं ये गलती हो गया, यहाँ से ऐसे लाएंगे, इस निशान को नहीं लाएंगे। और यहाँ से हम आगे का पल्ला बनाएंगे, आगे का गला बनाएंगे 6 इंची पर, यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से इसका हम नीचे का टेकिंग बनाएंगे, तो यहाँ से ऐसे करके जितना आपका सीना होगा उसका 1/4 लीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। मैं यहाँ पर, मेरा सीना 36 इंची है, तो मैं यहाँ पर 9 इंची लिए हैं, 9 इंची को हाफ कर दिए। इसका टेकिंग का उठाव हम 3.5 इंची पर देंगे, 0.5 इंची इधर दबाना है, 0.5 इंची इधर दबाना है। तो इस तरह से पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। तो देखिए कितना ईजी और आसान तरीका से हम इसको कटिंग करते हैं। अब यहाँ से हमारा काफी कटिंग हो चुका है। अब यहाँ से हम अभी पीछे का गला कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारा आगे का गला कटिंग हो गया। तो ये देखिए पूरा निशान हो चुका है, यहाँ से हमारा आगे पीछे का गला पल्ला कटिंग हो गया है, दोनों पल्ला एक साथ ही। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके
यहाँ से देखिए पीछे के पल्ले में हम आधा इंची और कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है। अब टेकिंग के लिए हम दोनों तरफ बराबर होंगे, इसके लिए यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पीछे का गला बनके रेडी होगा। इसको बनाएंगे तो और भी खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ से आ गया हमारा आगे का पल्ला। यहाँ से हम आधा इंची और कटिंग करेंगे काखी का। यहाँ से सीना निकाल देते हैं एक चौथाई, यहाँ पर आ गया 9 इंची। अब इस यहाँ से इसको हम यहाँ से ऐसे लाना है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से इतना हमको कटिंग करके निकाल देना है, तभी हमारा परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से हम इसको परफेक्ट तरीका से टेकिंग कैसे लगाएं, तो यहाँ से हमारा आएगा 11 इंची। तीरा से नीचे लेना है ऐसे 11 इंची। यहाँ पर निशान लगाएंगे एक चौथा, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे करके ये देख सकते हैं पूरा निशान लग चुका है। ये वाला टेकिंग को हम यहाँ से लगाएंगे, ऐसे उंगली से रख के 3 उंगली यहाँ पर आ जा सकता है, ये देख सकते हैं ऐसे करके। तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये वाला टेकिंग जो होगा आधा इंची का होगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर दें, आधा इंची पर ही लाएंगे। ये वाला टेकिंग हम 1.5 इंची पर बनाएंगे, 1.5 इंची को बीचों बीच रखना है और ऐसे निशान लगाना है। ये टेकिंग आधा आधा इंची का 3 वाला और ये एक नीचे वाला टेकिंग 1.5 इंची पर लगेगा। तो इस तरह से पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हमारा ये आगे के पल्ले में आर्म होल कटिंग होगा। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग हो चुका है। यहाँ से हम इसको खोल देंगे, यहाँ से ये हमारा बीच का सेंटर हो गया है, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर से हमारा सेम इधर भी टेकिंग का निशान उगाने के लिए इसको हम इस तरह से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। तो आगे से हमारा आई हुक बनेगा, आगे से हमारा खुला बनेगा, तो यहाँ से हम इसको खोल देंगे। तो इस तरह से हमारा आगे पीछे का पल्ला कटिंग हो चुका है। इसका बाजू का देखना होगा तो अगली वीडियो में देखिएगा कैसे बनता है इसका फ्रिल वाला बाजू। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराना सब्सक्राइबर है तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।